हेलो गाइस, तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर। जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हमने 3000 कार ली थी जिनको सेल किया था, और ये येलो कार भी हमने तब भी ली थी, लेकिन इसको आज की वीडियो में सेल करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले इस कार को सेल पे लगाते हैं। हम चलते हैं सबसे पहले ऑफिस के अंदर और इस कार को सेल पे लगा के, तो इसको सेल करके हम नेबरहुड जाएंगे और नई कार लेके आएंगे। तो गाइज, इस कार को सेल पे लगाते ही हमारे पास कस्टमर आ चुका है, और इससे पहले बात करते हैं कितने की लेती है। तो गाइज, इसको मैं बगैर बार्गिन किए ये कार सेल करने वाला हूँ आज। भाई ये तो मुझे प्राइस ही कम देगी, इतने में तो मैंने ली भी नहीं। चलो ले जाओ यार। चलो भाई, सबसे पहले हम अब नेबरहुड चलते हैं और नई कार लेके आते हैं। तो गाइज, हमारे पास 108,000 है, देखते हैं इसमें कोई दो गाड़ियाँ आती है कि नहीं। जी अंकल जी, आप ये कार कितने की दे रहे हो? 4000 की। यार ये मुझे 3700 की ये कार दे दो यार। तो गाइस, ये 3700 की कार नहीं दे रहा, तो इसको 3800 बता के देखते हैं। तो गाइस, ये 3800 की भी नहीं दे रहा, मुझे लगता है जितने की कह रहा है उससे फिर उतने की ले लेते हैं। तो गाइस, हम ये कार चला के लेके जाते हैं और बाकी गाड़ियों का देखते हैं। कोई अगर हमें इस 4000 में मिल जाती तो हम और गाड़ी ले जाते हैं। चलो, ये ग्रीन गाड़ी वाले अंकल से पूछते हैं कितने की गाड़ी देते हो। जी भाई, कितने की आप गाड़ी दे रहे हो? 16,000 की। ये तो हमारे बजट से बाहर है। चलो आगे चलते हैं। तो अब हम वो जो वाइट गाड़ी खड़ी है इसका रेट जाकर पूछते हैं, ये कितने की मैडम जी दे रही है? जी मैडम जी, आप ये कार कितने की हमें सेल करेंगी? 8,000 की। ये भी बजट से बाहर। चलो हम इससे आगे जाकर देखते हैं, अगर कोई मिलती है ठीक है, वरना वापिस आ जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम ये आगे वाले गली में चलते हैं, देखते हैं अगर कोई कार है। तो गाइस, मुझे तो यहाँ पर अपने बजट में कोई कार नज़र नहीं आ रही है। येलो वाली एक बार पूछ के देख लेते हैं कितने की दे रही है। जी मैडम जी, आप ये कार कितने की हमें सेल करेंगी? 9,000 की। ये भी बजट से बाहर है। तो भाई, मुझे लगता है हमें शोरूम की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि हमारे बजट में इस वक्त यहाँ पर कोई कार नहीं है। तो चलो हम इस कार को पहले सेल करते, फिर कुछ पैसे आएंगे तो फिर हम आके कार ले लेंगे। तो गाइस, मैं ये गाड़ी फुल स्पीड में भगाता हुआ शोरूम पे पहुंच चुका हूँ। सबसे पहले इसको पार्क करते हैं और इसको सेल पे लगाते हैं। तो गाइस, जितनी देर में मैं पार्क कर रहा हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो गाइस, मैंने ये कार को सेल पे लगा देते हूँ और बाद में हम देखते हैं अगर इसके लिए कस्टमर आता है कि नहीं। तो गाइस, इसके लिए तो इस वक्त तक कोई कस्टमर नहीं आया। मैंने 2 मिनट देख लिया, आज ऑप्शन स्टार्ट है, क्यों ना हम पहले ऑप्शन देख के आए। तो गाइस, ऑप्शन तो आज 12 बजे स्टार्ट है, लेकिन मैं फिर भी पहले जाके देख के आता हूँ कि क्या पता गली जैसे हमें कोई गाड़ी नज़र आ जाए। अगर कोई सस्ती गाड़ी होगी तो हम ले लेंगे ऑप्शन में जाके, वरना फिर देख लेंगे। तो गाइस, यहाँ से गली जैसे तो कोई गाड़ी मुझे नज़र नहीं आ रही, लिहाजा हमें टिकट ले के देखनी पड़ेगी कौन सी गाड़ी है। तो फिर हम अभी के लिए शोरूम की तरफ ही चलते हैं, यहाँ पर अब हमारा भी काम नहीं, 12 बजे आएंगे इस ऑप्शन में। तो गाइस, मैं अपनी कार लेके शोरूम पे पहुँच चुका हूँ और इस कार को पहले सेल के लिए लगाते हैं, ताकि ऑप्शन के लिए थोड़े बहुत पैसे तो हमारे पास आए। तो ये कार मैं 9,000 में सेल के लिए लगा दिया है, देखते इसके लिए कस्टमर आते हैं कि नहीं अब। तो गाइस, इसके लिए 2 कस्टमर आए, इनसे पूछते हैं ये कितने प्राइस दे रहे हैं। ये तो 5,000 दे रहे हैं। भाई इतने में नहीं मैंने दे रही, आप जा सकते हो वापस, जाओ जाओ वापस जाओ। वो भाई दोनों चले गए, मैंने एक को कहा था जाओ, दोनों ही चले गए हैं। तो गाइस, इस कार को सेल से हटाते हैं और ऑप्शन स्टार्ट होने वाला है, और हम सबसे पहले ऑप्शन में होके आते, क्या पता हमें भी कार 5,000 में मिल ही जाए। तो गाइस, मैं ये कार लेके ऑप्शन में आ चुका हूँ और इससे भाई से टिकट पूछते हैं कितने की टिकट दे रहे हो। जी चचा जी, आप ये कितने की टिकट दे रहे? 500 के। चलो दे दो, मैं ऑप्शन में देख लेते हैं, अगर कोई कार हमारे बजट में है तो ले चलते, वरना यही फिर चलाएंगे। ये तो भाई 14,000 से स्टार्ट हुई, ये तो हमारे बजट में बिल्कुल नहीं है। चलो अगली गाड़ी आने का इंतज़ार करते हैं कि वो गाड़ी कितने की। तो भाई ये गाड़ी देखते, इसके तो 18,000, ये भी हमारे बजट में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास 5,000 है। तो गाइस, हमारे बजट में यहाँ से कोई कार नहीं आएगी, मैं लिहाजा इस कार को रिपेयर करवाने के लिए सबसे पहले लेके जाने वाला हूँ। तो गाइस, वो कार जो है मैंने सेल कर दिया और अभी हम नेबरहुड में जाने वाले, वहाँ से ये 2 कार मैंने नेबरहुड में आके ले लिया। लेकिन ये जाने की 3 ऐड देखने को कह रहे, मैं ये गाड़ी लेके सबसे पहले रिपेयर पर चलता हूँ और इसको रिपेयर करवा के सेल कर देते हैं। तो गाइस, सबसे पहले इसका मैप देख लेते हैं। मैंने मैप देख लिया और इसको हम भगाता हुआ मैं शोरूम पे पहुंच चुका, लेकिन हमें रिपेयर पे जाना है, इसको सबसे पहले रिपेयर करवाते हैं।
तो गाइस हमारी कार अभी रिपेयर हो रही है और इसको लेके हम अभी हम शोरूम पे जाएंगे। तो गाइस फाइनली ये कार हमारी जो है ना ये रिपेयर हो चुकी है और अभी हम इसको लेके शोरूम पे जाने वाला हूँ और वहाँ पे खड़ी करने वाला हूँ। तो गाइस मैं ये कार भगाता हुआ शोरूम पे ले आया हूँ और इसको हम पहले पार्किंग में लगा देते हैं। तो गाइस मैं ये कार लेके शोरूम पे आ चुका हूँ और सबसे पहले इस कार को सेल पे लगाते हैं। ये कार मैंने 7000 की खरीदी है और इसकी 11000 प्राइस फिक्स कर देते। भाई ये क्या मैं लिखे जा रहा हूँ यार, यहाँ पर 11000 मैंने लिखा है, एक मिनट अभी सही कर देता हूँ इसको। तो गाइस मैंने इसकी प्राइस 11000 डाल दी है और इसके लिए देखते कस्टमर का इंतज़ार करते हैं। तो गाइस हमारी प्राइस डाल के कस्टमर आ चुका है। तो भाई इतनी देर हम एक चक्कर नेबरहुड का निकाल के आते हैं कोई गाड़ी है। तो गाइस हमारे कस्टमर को पहले मेरे ख्याल से मैं डील करना चाहिए, गाड़ियों को नहीं करना चाहिए। तो गाइस मैं अभी जल्दी से जल्दी जाने वाला हूँ, सबसे पहले हम अपने कस्टमर को डील करते हैं, वो गाड़ी पहले सेल कर आते हैं। तो गाइस हमारा एक और कस्टमर हमारे सामने जा रहा है। तो गाइस इस भाई जहाँ से पूछते हैं कार कितने की लेना चाहता है। भाई इतने की तो मैं लेके भी नहीं आया, आप जा सकते, जाओ भाई वापस जाओ, जाओ किसी और से गाड़ी लेना, मैं ही तुम्हें देने वाला है कार। अभी गाइस एक और कस्टमर आ चुका है, इससे पूछते हैं ये कार हमारे से कितने की लेना चाहते हैं। जी भाई आप कितने की ये कार लोगे? 8000 की। चलो आपकी मान लेते हैं, आपने 8000 कहा, चलो 9000 यार दे दो और ले जाओ। भाई ये नहीं दे रहा, चलो इसको इतने की सेल कर देते हैं। तो गाइस मैंने ये एक कार ग्रीन कलर में लास्ट टाइम ली थी, ये मैं लेके आ चुका हूँ और इस गाड़ी को सबसे पहले हम सेल पे लगा देते हैं और इसको अगली वीडियो में सेल करेंगे। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अब अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।